गोपीचंद चंद्रावल। हमारे दादाजी की बहुत देर से फरमाइश हो रही थी कि भाई गोपीचंद के किस्से की रागनी होनी चाहिए, आइए उसी किस्से को पूरा करते हुए उस समय की बात की जब गोपीचंद जोग धारण कर लेता है और हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अशोक नागर जी पहुंचे हैं। भाई एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दो, जोरदार तालियों से। हेलो हेलो। प्रेमी साथियों, जोग धारण कर लेता है वो राजा गोपीचंद। अब तो भीख मांगता मांगता उस शहर में पहुंच जाता है जिसमें उसकी बहन चंद्रावल ब्याही हुई थी। मेहरबानो, बिल्कुल बिल्कुल। जब अपनी बहन चंद्रावल के द्वार पर जाकर के अलख जगाता है, अंदर से जब आती और अपने भाई को जो राजशाही पोशाक पहनता था आज भिखारी के रूप में देखती है, साधु और संत के रूप में देखती है, कान फटे हुए हैं, बड़ी बड़ी जटा बंधी हुई है, पहचान नहीं पाती। और जब पहचानती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस तरह से क्या गोपीचंद समझाता है और क्या चंद्रावल, दोनों भाई और बहन के सवाल और जवाब क्या लिखा कभी मुझे ना बोलो। है कोई जो इस साधु को भीख दे? भैया गोपीचंद, ये तुमने कैसा वेश धारण कर रखा है? ये भेष धारण कर रखा है, मेरी माँ ने मुझे आदेश दिया कि गोपीचंद तुझे साधु होना है, मुझे अमर कराना चाहती थी और गुरु मच्छिंद्रनाथ के साथ में मुझे कर दिया, लेकिन मैं जोगी बन चुका हूँ। तुझे एक बार उस माँ के बारे में सोचना चाहिए था, उन अपनी कन्याओं के बारे में सोचना चाहिए था, उस अपनी नगरी के बारे में सोचना चाहिए था जिसके कारण आप अधूरे हो गोपीचंद। सब कुछ सोच और समझ के जब मैंने जोग धारण किया है चंद्रावल। अच्छा, और मेरा काम है आठोयाम भजन करना, उस ओम का सुमरण करना और जगह जगह से भीख मांग के अपना पेट भरना। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुन भाई। कह दे क्या कहना चाह रहे? भैया सुना दे। हे गोपीचंद वीर मेरे तन, ये क्या हाल बनाया? अरे भी के घाले दे चंद्रा
हमारे बड़े ही समाज से भी परम आदरणीय राजेंद्र प्रधान जी सिलारपुर से, वो भी हम दोनों कलाकारों का 101 रुपए से मान और सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने कई हजार रुपए पहले लगभग सभी कलाकारों का मान सम्मान किया है। परम आदरणीय मनवीर नागर जी अट्टा से, वो भी 101 रुपए से हम दोनों कलाकारों का मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। ये बताया सर पे ताज धरे था, और बीती बातें ने भूल जा बहना तेरा भैया राज करे था, ओ तेरा भैया राज करे था, बन्या रे भिका तेरी जगत लिहाज करे था, और भरत वंश का हर बच्चा इंद्रपाल बटेल जी, परम आदरणीय इंद्रपाल जी बटेल गांव से, वो भी 101 रुपए से हम दोनों कलाकारों का मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय भैया चुप बैठ जाओ, मैं चुप बैठ जाओ। हाँ बैठे बैठे गाने वाले जो ना भैया, दो घंटा का दुखदान तो चाहे बोले, पर ये ऐसे कलाकार है, जब तक मेरे भैया सारे बैठे रहेंगे जब तक ये जाए ना, खूब सुनाएंगे। एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। परम आदरणीय शिव कुमार नागर जी झंडा से, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, हम दोनों कलाकारों का बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और भैया गोपी चंद, हाँ चंद्रावल, तू एक बार उस माँ के बारे में सोचता जिस माँ ने 9 महीने तुझे अपने गर्भ के अंदर रखा, तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया, तूने तो मेरी माँ के सपने चूर चूर कर दिए। मैंने अपनी माँ के सपने ही पूरे किए हैं। अच्छा? क्योंकि कौन नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं, कौन नहीं चाहता कि मेरे जो किस्मत में राज भोग है मैं उसे ना भोगूं। अच्छा? मेरी 12 कन्या 16 रानी, इतना बड़ा राज और पाट जिसका ये राजा हुआ करता था कभी गोपीचंद, मेरी माँ ने ही मुझे आदेश दिया कि तुम्हें साधु बनना है, उन्हीं के आदेश से मैं साधु बना हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, कह दे क्या कहना चाहती है। और परम आदरणीय रविंदर प्रधान जी गोहरा से,
परम आदरणीय रविंद्र प्रधान जी गोहरा से, वो भी हम दोनों कलाकारों का 101 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सुन ले भाई, बड़ी भारी और परमेश्वर का भजन करूं मैं पण योगी तपदारी, ओ मैं पण योगी तपदारी, किसके ऊपर सबर करे रो रो के महतारी, और माता ने उपदेश दिया मेरे बेटे बड़ो रे पुजारी, ओ मेरे बेटे बड़ो रे पुजारी, गोहरा से, परम आदरणीय महेंद्र भाई गोहरा से, वो भी हम दोनों कलाकारों का 100-100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। भैया गोपीचंद, एक बार उन 16 रानियों के बारे में, 12 कन्याओं के बारे में सोचा होता, तूने ये क्या कर दिया? चंद्रावल, हाँ, ये कर्म है हमारे, और कर्मों के अनुसार इंसान सुख दुख भोगता है। अच्छा, हाँ, सुन ले मेरी बात। कह दे क्या कहना चाहते हैं। और परम आदरणीय रविंद्र प्रधान जी गोहरा से, जिन्होंने 101 रुपए पहले और 101 रुपए हम दोनों कलाकारों का फिर से मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। कहते चंद्रावल क्या कहनी चाहते हैं? सुन ले। हाँ। Yeah.
रहती कोन्या चढ़ती हुई रे जवानी और संयम और साधना से मिट जाती सब परेशानी ओ सब जाती सब परेशानी अरुण कुमार तिवारी जी गिरधरपुर गाजियाबाद से, वो भी 101 रुपए से हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। भैया गोपीचंद, हाँ चंद्रावल, तू एक बार ये सोचता कि मेरा तो अकेला ही भाई है, मैं किसके घर पे जाऊंगी भाई, किसके हाथों में राखी बांधूंगी, किसके यहाँ पर भात की भेली लेकर के जाऊंगी। चंद्रावल, एक बार भी नहीं सोचा गोपी? ये समय का फेर होता है। अरे किसी किसी के तो भाई भी नहीं होते, समय तो वे भी व्यतीत करते हैं। अच्छा। जो ईश्वर का लिखा हुआ है वो कभी मिट नहीं सकता। कभी तेरा भाई राजा हुआ करता था, राजशाही वस्त्र पहनता था, राज महलों में रहने होते थे, लेकिन आज नंगे बदन पर भस्म रमी हुई है, जटा बड़ी हुई है और नीचे धरती में सोना पड़ता है। ये गोपीचंद है, आज मैं साधु बन चुका हूँ। और लाडो, जिनके भाई नहीं होते समय तो वो भी व्यतीत करती है, उस हर का सुमरण करके तुझे टाइम काटना होगा। मेरी बात सुन भाई। सुना दे, क्या कहना चाहिए? हेलो, रखवाला